एपिसोड के स्टार्ट में फ्यूज़ को दिखाया जाता है। फ्यूज़ अपने फ़ोन में बिजी होते हैं और तभी वह अना की पोस्ट देखते हैं। अना ने लिखा था कि मैं इस केस को हैंडल नहीं कर सकता, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। तभी एक लड़की मैसेज करती है कि तुम एक डेंटिस्ट हो, कोई कार्डियोथोरिक सर्जन नहीं। तभी तीसरा कहता है कि मैं हमेशा कमेंट करता हूँ कि मुझे तुम्हारी पोस्ट पसंद नहीं है। तभी फ्यूज़ मैसेज करता है कि अना को बता दो कि वह अपना दिल खोल लें। तो अना मैसेज करता है, ये तो काफ़ी टाइम से खुला ही है। तभी एक लड़की कहती है, ये क्या है, तुम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कब लिया। और तभी पावला मैसेज करती है कि ये लोग तो ऑलरेडी अपने लास्ट स्टेज पे हैं। तो फ्यूज़ कहते हैं, ऐसा नहीं है पावला। तभी फ्यूज़ के पास बार का कॉल आ जाता है। तो फ्यूज़ बार से कहते हैं, क्या डोक ने तुम्हारे साथ खेलने से मना कर दिया जो तुम मुझे कॉल कर रहे हो। बार कहता है कि वो सब मत लेकर आओ, और तुम क्या कर रहे हो। फ्यूज कहता है कि मैं कोई तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ जो तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। बार कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन अगर तुम अना के भाई नहीं बनना चाहते तो तुम हमारे रेगुलर बार में आ जाओ। और क्या तुम आ रहे हो। फ्यूज कहता है, ऑफ कोर्स, तुम लोग मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर फ्यूज़ तैयार होने के लिए चला जाता है। और वह अपनी ड्रेस को देखकर कहता है कि ये मुझ पर कमी ही सूट हो रही है। और फिर कहता है कि एक हैंडसम मैन को सब कुछ अच्छा लगता है। और वह वही पहनकर बाहर में आ जाता है। टी फ्यूज़ से पूछता है कि तुमने इसके साथ फ्लर्ट कैसे किया, हमें भी बताओ। लेकिन फ्यूज़ कुछ नहीं बोलता और कहता है, क्या मैं वीडियो बनाकर इसे पोस्ट कर सकता हूँ। तो गला कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, और ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और फिर फ्यूज़ अना के पास बैठ जाता है। अना कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। फ्यूज़ कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आई हुई हो। अना कहता है, एक्चुअली मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन पौला ने मुझे ट्रिक करके यहाँ पर बुला लिया। फ्यूज़ कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, और क्या मैं तुम पर गुस्सा कर सकता हूँ। तभी बार कहता है कि तुम इस पर गुस्सा क्यों करोगे, और तुम्हारा इसके साथ रिलेशन क्या है। फ्यूज़ कहता है, क्योंकि अना मेरा, तो अना शाय फील करने लगता है। बार कहता है कि जब तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल गया तो तुमने अपने फ्रेंड्स को दूर ही कर दिया। और फिर अना फ्यूज़ से कहता है कि तुम कब से मेरे बन गए। फ्यूज़ कहता है, जब से हम लोग पहली बार मिले थे। तो फिर अना कुछ नहीं बोलता और ड्रिंक करने लगता है। कला कहता है, अना तुम तो ड्रिंकिंग में बहुत अच्छे हो। अना कहता है कि मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ। बार कहता है, लेकिन फ्यूज़ वो तो एक नोब है और एक लूजर भी, वह तो ड्रिंक को हैंडल भी नहीं कर सकता। तो अना फ्यूज़ से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रंक होते हुए देखना चाहता हूँ। फ्यूज़ कहता है, अच्छा रहेगा कि मैं ड्रंक ना ही हूँ। तो गन कहता है कि तुम उसे छोड़ो, वरना हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, और ये तो ड्रिंक को सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तभी फ्यूज़ कहते हैं, गन तुम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, मैं बस एक बार बार के रूम में गया था। तभी कम्फान कहते हैं, लेकिन तुम मेरे रूम में बहुत टाइम आ चुकी हो, और तुम पिछले 2 वीक पहले ही तो मेरे रूम में आए थे। फ्यूज़ कहते हैं, क्या तुम लोग चुप रहोगे, तुम लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो। अना फ्यूज़ से कहता है कि तुम अक्सर ड्रंक हो जाया करते हो। फ्यूज़ कहते हैं, हाँ लेकिन जब मैं तुमसे मिला था उससे पहले। अना कहता है, लेकिन आज मैं तुम्हें ड्रंक होते हुए देखना चाहता हूँ। फ्यूज़ कहता है, ठीक है मैं ड्रिंक कर लूँगा, लेकिन अगर तुम मुझे घर के लिए राइड दोगे तुम। तो फिर अना यस बोल देता है और फ्यूज़ को ड्रिंक देते हैं। फ्यूज़ कहता है कि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे साथ रहकर ही ड्रंक हो चुका हूँ। अना कहता है कि मैं तुम्हें ड्रंक होते हुए देखना चाहता हूँ फ्यूज़। फिर अना बार और गन से पूछता है कि जब ये ड्रंक हो जाता है तो इससे डील करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता है क्या। बार कहते हैं, हाँ एक बार तो इसने ड्रिंक होकर मेरे डोर को ही किस कर लिया था। फ्यूज़ कहता है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ। और फिर फ्यूज़ अना के हाथ पर हाथ रखता है। तो अना कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फ्यूज़ कहता है, क्योंकि मैं ड्रंक हो चुका हूँ
और यह कहकर फ्यूज अना के शोल्डर पे अपना सर रख लेता है। फिर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं और सच में फ्यूज बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता और अना फ्यूज को लेकर जाने लगता है। तभी फ्यूज नशे में कहता है कि अना बहुत ही काइंड है लेकिन मुझे अभी भी उसका डर लगता है। तभी बार कहता है फ्यूज मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन फ्यूज कह देता है कि मैं तो अना के साथ घर जाना चाहता हूँ। अना फ्यूज से कहता है ठीक है मैं ही तुम्हें लेकर चलता हूँ। और जब वे लोग पार्किंग लॉट में होते तो फ्यूज अना के साथ कुछ ज़्यादा ही लवी डवी बन रहा होता है और तभी उन दोनों को एक पर्सन देख लेते हैं जो अना का अक्स होता है और इसका नाम टोप होता है। टोप आकर अना के फ्यूज को ले जाने में हेल्प करता है और वह अना से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस पर्सन को डेट कर रहे हो। तो अना कुछ नहीं बोलता और जब वे लोग थोड़ी दूर आ जाते हैं तो टोप कहता है क्या तुम ठीक हो। अना कहता है कि मुझे अब चलना चाहिए। टोप कहता है क्या मैं तुम्हें इसे कार में ले जाने में हेल्प करूं। अना कहता है कोई बात नहीं मैं खुद चला जाऊंगा। टोप कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि ये तुम पर गुस्सा करेगा। अना कुछ नहीं बोलता और कार में चला जाते हैं। और जब वे लोग गाड़ी में चल रहे होते हैं तो फ्यूज कहता है कि वो लड़का कौन था। अना कहता है कि मैंने उसे डेट किया था। फ्यूज कहता है लेकिन मैं भी तो तुम्हें डेट कर रहा हूँ। अना कहता है मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। फ्यूज जेलस फील करता है और वह अना से कहता है कि जब तुम बार से बाहर निकल जाओ तो फिर लेफ्ट टर्न ले लेना और उसके बाद राइट टर्न ले लेना। तो अना फ्यूज के पास आता है और कहता है कि मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। फ्यूज कहता है क्या तुम थोड़ा पीछे हटोगे। अना कहता है क्यों क्या हुआ। फ्यूज कहता है क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। अना कहता है कि तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम ड्रंक हो। फ्यूज कहता है अगर कोई दूसरा होता तो फिर मैं तुम्हें हाँ कहता लेकिन तुम्हारे साथ मैं ये इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और स्पेशली जब तुम मुझे इस तरीके से देखते हो। और यह कहकर फ्यूज अना को किस करने जाते हैं लेकिन अना पीछे हट जाता है और वह फ्यूज से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके हो। कहता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अना कहता है तुम उसे जानते हो। फ्यूज कहता है नहीं लेकिन वह तुम्हें पसंद करता है। अना कहते हैं लेकिन अब वह मुझे पसंद नहीं करता। फ्यूज कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी सही नहीं कर सकता। अना कहते हैं तो क्या तुम अब शांत हो। फ्यूज कहते हैं और मैं कर भी क्या सकता हूँ और मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं ये प्रूव करूँ कि मैं अभी शांत हूँ। तो अना कहता है कि तुम मुझे अपने रूम का रास्ता बता दो। फ्यूज कहता है तुम्हारे रूम का। अना कहता है नहीं फ्यूज के रूम का। तो अना नाटक करने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता और मैं अभी भी ड्रंक हूँ। और यह कहकर वह अपनी सीट पे सो जाता है। अना स्माइल करता है और फिर वह फ्यूज से कहता है कि मैं अब तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ और क्या तुम्हें सच में तुम्हारे रूम का रास्ता नहीं पता। फ्यूज कहता है नहीं मुझे तो अभी भी याद नहीं आ रहा। तो अना स्माइल करने लगते हैं और फिर अना फ्यूज को अपने रूम पर लेकर आ जाते हैं। और गाइस आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।